भारत में समान नागरिक संहिता का विचार कोई नया नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व ही यह विचार उत्पन्न हो चुका था, जिस पर आज भी बहस जारी है। तो आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता है क्या और कौन लोग इसका विरोध करते आए हैं और कौन इसके पक्ष में रहा। भारत में इस समय दो तरह के कानून हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट, प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। वहीं दूसरी ओर सिविल कानूनों में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की खास भूमिका होती है। शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों की शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा स्वतंत्र भारत और उससे पहले समय समय पर उठता रहा है। वर्ष 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। वर्ष 1941 में बीएन राव कमेटी बनी, इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई। आजादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों आदि से आजादी दिलाना था। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। 10 अगस्त 1991 को भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया तो वो इसके लिए तैयार हो गए। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा। इसके बाद 1955 और 1956 में नेहरू ने इस कानून को चार हिस्सों में बांटकर संसद में पास करा दिया। राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे नेताओं का कहना था कि जब महिलाओं के हक के लिए कानून बना है तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए ही क्यों? सभी धर्मों की महिलाओं के लिए समान कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? देश के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। 23 नवंबर 1948 को जब पहली बार संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उठा, इस मुद्दे पर संविधान सभा में जोरदार बहस छिड़ गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनेक सदस्यों से समर्थन मिला। राजकुमारी अमृत कौर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मीनू मसानी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मुखर समर्थन किया और इसके पक्ष में जोरदार बहस की। संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध सबसे पहले मद्रास के सदस्य मोहम्मद इस्माइल सहित चार मुस्लिम सदस्यों के समूह ने किया। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर चर्चा के दौरान सदस्य नजीरुद्दीन अहमद ने कहा था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के कुछ पहलू हैं जो पहले से ही हमारे व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप कर चुके हैं, और यह बिल्कुल सही भी है। वह अपने वक्तव्य के अंत में निवेदन करते हुए कहते हैं कि मेरा निवेदन है कि इन मामलों में हस्तक्षेप धीरे धीरे होना चाहिए और समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक समय आएगा जब नागरिक कानून एक समान होगा। एक अन्य सदस्य हुसैन इमाम भी निकट भविष्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के बारे में सैद्धांतिक रूप से सहमत थे। उन्होंने कहा, जब पूरा भारत शिक्षित हो जाएगा, जब बड़े पैमाने पर निरक्षरता दूर हो जाएगी, जब लोग वे आगे बढ़े हैं, जब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होने और अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम होगा, फिर आपके पास समान कानून हो सकते हैं। संसद ने विवाह,
विरासत आदि में समानता की मांग करने वाले विधेयक के अनेक ड्राफ्ट प्राविधान को स्थगित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक संहिता के समर्थन में सदैव मुखर रहे।